पीटीए के रहनुमा हमाद अजहर के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सरकारी वकील ने हमाद अजहर के खिलाफ दर्ज 34 मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश कर दी हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब फारूक लोधी ने हुकूमत पंजाब और एंटी करप्शन की रिपोर्ट दाखिल कराई है। अदालत ने कहा कि इस मामले में मजीद वक्त नहीं देंगे। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आईपीएन न्यूज़ असद शाह से। जी असद बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में पीटीए के रहनुमा हमाद अजहर के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। सरकारी वकील ने हमाद अजहर के खिलाफ दर्ज 34 मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश कर दी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब फारूक लोधी ने हुकूमत पंजाब और एंटी करप्शन की रिपोर्ट दाखिल कराई है। हमाद अजहर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 33 और एंटी करप्शन में एक मुकदमा दर्ज है। सरकारी वकील ने यह कहा है, एफआईए को मुकदमात की तफसीलात की फरहमी के लिए वक्त दिया जाए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ये कहा, अदालत ने इस मामले पर मजीद वक्त नहीं देगी। अदालत ने ये रिमार्क दी और मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि तफसीलात फौरी अदालत में पेश की जाए। जस्टिस आलिया नीलम ने साबिक वजीर हमाद अजहर की दरख्वास्त पर समाअत की है। जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आगाह कर रहे थे असद शाह।